वेलकम्स टू खान किचन। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। देखिए, ईद आने वाली है और ईद में सिवई हमारी मेन डिश रहती है, तो आज हम आपको सिवई की एक डिफरेंट डिश दिखाएंगे जिसको हम कहते हैं सिवईयों का मुजफ्फर। और कैसे बनाते हैं उसे, आइए देखते हैं और करते हैं बनाना शुरू। देखिए, सिवईयों का मुजफ्फर जो हम बनाएंगे उसके लिए हम लेंगे 200 ग्राम सिवई, 400 ग्राम हम लेंगे चीनी। चीनी को हमें जस्ट डबल लेना है जिससे कि हमारी सिवईयों का मुजफ्फर जो हम बनाएंगे उसका टेस्ट एकदम परफेक्ट आएगा। उसके अलावा हम लेंगे 200 ग्राम मावा या खोया, 4 से 5 बड़े चम्मच हम घी लेंगे। उसके अलावा हम लेंगे दूध सिवई को अपनी टेंडर करने के लिए, और हमें कुछ ड्राई फ्रूट चाहिए जैसे काजू, बादाम, पिस्ता हमने यहाँ पे लिया। आप चाहें तो इसके अलावा दूसरे ड्राई फ्रूट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और उसके अलावा हम लेंगे ये केवड़ा जेल और फूड कलर जो हमारी सिवई को एक बहुत अच्छा सा कलर देगा। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पेन ले लीजिए इस तरह का थोड़ा सा गहरा, और आप उसमें अपनी चीनी को डाल दीजिए और बस इतना पानी डालेंगे कि हमारी चीनी आसानी से डूब जाए। देखिए, हमने पैन में अपनी चीनी डाल दी है और चीनी के साथ ही साथ हमने इसमें डाल दिया है पानी, जिसमें हमारी चीनी बस डूब जाएगी। हमें इतना पानी लेना है। गैस के फ्लेम को ऑन करिए और इसको एक तार की चाशनी आप बना लीजिए, और इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे फूड कलर जो हमारी सिवई को एक अच्छा सा कलर देगा। थोड़ा सा इसमें हम फूड कलर डाल देंगे। देखिए, हमने अपनी चीनी इसमें डाल दी थी, चीनी के साथ साथ हमने इसमें फूड कलर भी डाल दिया है जो हमारी सिवई को एक अच्छा सा कलर देगा। और इसको चला देंगे जिससे कि हमारी चीनी और पानी में अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाए, और इसको हमें लगभग 5 से 7 मिनट बॉयल कर लेना है। इसी तरह से इसको थोड़ा सा चला देंगे और इसको 5 से 7 मिनट हम बॉईल कर लेंगे। तक हमारी चाशनी तैयार हो रही है, हम एक पैन लेंगे और उसमें हम डाल देंगे अपना घी। हम यहाँ पे प्योर घी का यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके पास प्योर घी नहीं है तो आप सिंपल घी का भी यूज़ कर सकते हैं। और ये घी को हम अच्छा गर्म कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें अपने ड्राई फ्रूट जो हैं वो रोस्ट करेंगे। जब तक हमारी चाशनी बन रही है, हमने एक पैन ले लिया और इसमें हमने अपने घी को डाल दिया है। घी को डालने के बाद हम अपने ड्राई फ्रूट इसमें डालेंगे और उसे हल्का सा सॉटे करेंगे। बहुत ज़्यादा हमें उसको फ्राई नहीं करना है, हल्का सा ही सॉटे करना है, और थोड़े से ड्राई फ्रूट हम बचा लेंगे जो बाद में हम गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। देखिए, ये हमने अपना घी गर्म कर लिया है और इसमें हमने अपने ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं, और इसको हमें अब हल्का सा सॉटे कर लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं हम पकाएंगे इसको। अपने ड्राई फ्रूट को सॉटे करके हम बाहर निकाल लेंगे और इसके बाद हम इसमें फ्राई करेंगे अपनी सिवई। बस हल्का सा हमें इसे सॉटे करना है और इसको हमें बाहर निकाल लेना है। ये हमने अपने ड्राई फ्रूट सॉटे कर लिए हैं और अब हम इनको निकाल लेंगे और इसके बाद हम इसमें अपनी सिवई को भी फ्राई करेंगे। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट ना निकालें, इसी में सिवई डाल के फ्राई कर लें, लेकिन फिर ये ज़्यादा फ्राई हो जाएंगे इसलिए हम इनको बाहर निकाल लेंगे। देखिए, ड्राई फ्रूट हमने अपने बाहर निकाल लिए हैं और अब हम अपनी सिवई को भी डाल के इसमें कर लेंगे फ्राई। इसका कलर चेंज होने तक हम इसको पकाएंगे और लगातार चलाएंगे इसको, जिससे कि ये नीचे जले नहीं। लगातार चलाते हुए इसको हम भून लेंगे। देखिए, सिवई का कलर चेंज होने लगा है और इसमें एक अच्छी सी स्मेल आ रही है हमारे घी की। लगातार चलाइए। सिवई हमारी लगभग भुन गई है। अब हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट जो हमने अपने फ्राई करके रखे हैं, वो ड्राई फ्रूट हमें इसमें डाल देने हैं। देखिए, ड्राई फ्रूट मिक्स कर दीजिए जो हमने इसमें फ्राई करे थे।
इसमें डाल देंगे दूध और अपनी सिवई को हम थोड़ा सा गला लेंगे, टेंडर कर लेंगे। एक से दो ही मिनट हमें इसको ढक के और पकाना है, नहीं तो हमारी सिवई जो है वो एकदम बन जाएगी, जो हमें नहीं चाहिए। हमें अलग अलग सिवई चाहिए। बस ढक के इसको लगभग दो मिनट पकाएंगे। जब तक हमारी सिवई टेंडर हो रही है, देखिए एक पैन ले लेंगे और जो हमारा ये खोया है या मावा जो भी आप इसे बोलते हैं, इसको आप थोड़ा सा डाल के भून लें, फ्राई पैन पे भून लें। इसमें आपको घी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें अपना घी होता है, इसलिए हम इसमें घी नहीं डालेंगे। इसको ऐसे ही लगातार चलाते हुए लगभग पाँच मिनट भून लेंगे। ये सिवई हमारी टेंडर हो गई है और अब हम इसमें डाल देंगे वो चाशनी जो हमने बनाई है। थोड़ी थोड़ी करके इस तरह से हमें वो चाशनी अपनी सिवई में डाल देनी है। याद रखिए चाशनी जो है वो गर्म ही और ठंडी ना हो, नहीं तो आपकी सिवई जो है वो ऐंठ जाएगी, अच्छी नहीं बनेगी। इसलिए चाशनी का गर्म होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से आप चाशनी डाल दें, हल्के हाथ से चलाएं। बची हुई चाशनी भी हम इसमें डाल देंगे और इसको ढक के लगभग दो मिनट और पका लेंगे। ढक दीजिए अपनी सिवई को। ये सिवई को हमने लगभग दो मिनट भूना था और उसे ढक के पका लिया है लगभग तीन से चार मिनट। देखिए सिवई हमारी एकदम गल गई है और अब गैस को ऑफ कर दीजिए और अब इसमें डाल देंगे खोया जो हमने बनाया था। ऊपर से इसमें खोया ऐड कर दीजिए। खोए की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा खोया पसंद करते हैं तो ज़्यादा डालिए, वरना आप इसको कम क्वांटिटी में भी डाल सकते हैं। हल्के हाथ से फैला दें। देखिए हमारा सिवैयों का मुजफ्फर हो गया है बनके तैयार और अब अभी से करेंगे डिश आउट और करेंगे गार्निश ड्राई फ्रूट से और फिर दिखाएंगे आपको। देखिए हमने खोया इसमें डाल के मिक्स कर दिया अच्छी तरह से और हल्का सा ठंडा करेंगे एक दो मिनट और इसमें उसके बाद डालेंगे हम केवड़ा जल, जिससे हमारी सिवई में अच्छी सी खुशबू आएगी। और इसको लगभग हाफ मिनट ढक देंगे जिससे खुशबू हमारे डिश में अच्छी तरह से आ जाए। सिवईयों का मुजफ्फर हमारा हो गया है बनके तैयार। हमने इसे कर लिया है डिश आउट। और अगर आपको मेरी ये सिवई की रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और दुआओं में मुझे याद रखें। अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द हाजिर होते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हैप्पी ईद, ईद मुबारक हो।